शिक्षक संघ राधाकृष्णन की आयोजित बैठक सितंबर में आयोजित होने वाले सम्मेलन को लेकर हुई चर्चा। वही कार्य के बीच आ रही समस्याओं का समाधान पर भी हुई चर्चा। सत्र शुरू होने के साथ ही आज शिक्षक संघ राधाकृष्णन की पहली बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी शिक्षक सम्मिलित हुए। बैठक में शिक्षकों को आ रही समस्याएं जैसे एरियर सेवंथ पे जैसी समस्याओं पर चर्चा हुई। साथ ही सितंबर में होने वाले सम्मेलन को लेकर चर्चा की गई। आज जो है शिक्षक संघ राधाकृष्णन की पहली जो है इस सत्र की बैठक है और इसमें मेन जो चर्चा है, एक तो अभी वर्तमान में सदस्यता अभियान चल रहा है उस पर है, और हमारे बहुत से साथी जो हैं अभी सदस्यता के दरमियान फील्ड में गए हैं, वहाँ से जो समस्याएं आई है उनको भी शॉर्ट आउट किया जा रहा है और जो भी संबंधित अधिकारी है उनसे भी बात करने की जाएगी, तथा आगामी समय में अभी सेप्टेम्बर में जो हमारा जिला सम्मेलन आ रहा है उसको किस तरह से जो है हर वर्ष की तरह उसको और ज़्यादा समस्याएं बहुत सारी हैं, किसी को जैसे चार्जेस की है और भी कई तरह की एसीपी के हैं, किसी का कोई जो है अपने ये एरियर वगैरह सेवंथ पे का भी अभी तक नहीं बना है। ये सारी समस्याएं जो है हम जो है लेके और उसको शॉर्ट आउट कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी किसी पीओ से है तो संबंधित पीओ से, कहीं डीओ या उससे ऊपरी लेवल डायरेक्टर की है कोई, तो उन सब से जो है उसके विषय अंदर बात की जाएगी। आपका नाम? अशोक सिंह शेखावत, जिला अध्यक्ष शिक्षक संघ राधाकृष्णन। ये जो मीटिंग रखी गई है वो राधाकृष्ण शिक्षिका सेना के पदाधिकारियों की रखी गई है। इसमें हम लोग एक सप्ते से अपने सदस्यता अभियान के लिए विभिन्न स्कूलों में जा रहे हैं, और जो हमसे जुड़े हुए हैं यानी राधाकृष्ण संघ और राधाकृष्ण शिक्षिका सेना से, उन सभी को हम अपना सदस्य बना रहे हैं। और जो अपनी स्वेच्छा से बनना चाहता है, हमारी जबरदस्ती किसी के साथ भी नहीं है, जो स्वेच्छा से हमारे साथ जुड़ा हुआ वो हमारा सदस्य बन रहा है। और जो हम लोगों ने स्कूलों में देखा कि जिन जिन स्कूलों में गए हैं, कम से कम 250-300 मैंने अकेले ने कवर किए हैं, तो उन स्कूलों में अगर मैंने देखा कि हमारे संघ यानी राधाकृष्ण संघ और शिक्षिका सेना से जुड़े हुए लोग बहुत अधिक संख्या में हैं और वो सब अपनी स्वेच्छा से जुड़े हुए हैं। कोई समस्या भी है यहाँ पे जैसे कि आई हो आपके सामने? जो समस्याएं हमारे साथ बहुत आई थी, जैसे अदर संघ वाले हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारा संघ कैसे चलता है और तुम लोग संघ में किस तरह से वो करते हो और तुम्हारा संघ इतनी लेडीज़ कैसे जुड़ी हुई है, और भले ये समस्याएं हैं और भी टीचर्स की हैं कि हम लोग जो दूसरे संघ वाले आते हैं वो सिर्फ जुलाई के महीने में हमें दिखाई देते हैं, हमसे 100-100 रुपये की रसीद कटवा के चले जाते हैं, पूरे साल भर हमें दिखाई नहीं देते हैं, और आपका संघ अच्छा है जो आता है पूछता है, नंबर देके जाता है कि कोई भी समस्या हो तो इस नंबर पर बात कीजिए। समस्या का ये समाधान हुआ है कि अभी जो हमारी मीटिंग चल रही है उसमें हम लोगों ने जो भी हमारे पास व्यूज़ आए, जो भी हम लोग ने जिन स्कूलों में गए वहाँ हमने नोट डाउन किया, वो हमने हमारे सदस्य प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह सोनी को बताया, तो उन्होंने यही कहा कि जहाँ तक हो अपनी जो संख्या है राधाकृष्ण शिक्षिका सेना की और राधाकृष्ण संघ की वो सभी स्कूलों में नो डाउट बहुत ज़्यादा है, सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और उसका यही कारण है कि हमारे संघ में पारदर्शिता विश्वास है, पारदर्शिता है। ये आज मीटिंग हमारी कचहरी रोड स्कूल में हुई है और हम सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। मेरा नाम सलमा खान, राधाकृष्ण संघ शिक्षिका।